हेलो फ्रेंड्स, आज हम लॉ 18 के बारे में बात करेंगे जो कि स्कोरिंग रन्स है। तो जो रन रहता है वो थ्री तरीके से स्कोर किया जाता है। पहला होता है कि व्हेन बैट्समैन क्रॉस ईच अदर एंड मेक गुड देयर ग्राउंड देन रन इज स्कोर्ड, व्हेन अ बाउंड्री इज स्कोर्ड देन रन इज स्कोर्ड, व्हेन पेनाल्टीज आर गिवन देन रन इज स्कोर्ड। सो फ्रेंड्स, दिस लॉ इज इम्पॉर्टेंट इन द सेंस कि हमारी जो पेनाल्टीज होती हैं वो अब यहाँ से स्टार्ट होती हैं कि जो अवॉर्ड करते हैं अंपायर्स 5 पेनाल्टी रन इधर टू द बैटिंग साइड और द बॉलिंग साइड, वो इस लॉ से स्टार्ट हो जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट स्कोरिंग रन्स। नाउ जो अगर बाय द वे रन्स डिसअलाउड होते हैं जब बैट्समैन ने या बैट्समैन ने दौड़ के रन लिया, लेकिन जो नो बॉल का रन हो रहता है या वाइड बॉल का रन रहता है या पेनाल्टी रन अवॉर्ड किए जाते हैं, दीज रन्स ऑलवेज स्टैंड। देन शॉर्ट रन जो रहता है हमारा, शॉर्ट रन ये रहता है कि बाय द वे इधर बैट्समैन फेल्स टू मेक गुड देयर ग्राउंड इन ऑर्डर टू टर्न फॉर अ फर्दर रन, तो वो जो शॉर्ट रन उन्होंने लिया है अपने क्रीज को उन्होंने टच नहीं किया तो उसको शॉर्ट रन बोला जाता है। तो इन केस उन्होंने वो शॉर्ट रन लिया लेकिन जो फर्दर रन लिया उन्होंने पूरा कंप्लीट करा, तो दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ शॉर्ट रन, ओनली दैट पर्टिकुलर रन इज कंसिडर्ड अ शॉर्ट रन। देन अनइंटेंशनल शॉर्ट रन में भी दो तरीके से रहते हैं, एक अनइंटेंशनल शॉर्ट रन रहता है, एक इंटेंशनल शॉर्ट रन रहता है। तो अनइंटेंशनल शॉर्ट रन में क्या रहता है कि अगर बाय द वे इधर बैट्समैन ने एक शॉर्ट रन लिया और बाउंड्री स्कोर हो गई, तो उसमें बैट्समैन जो अंपायर रहता है ही विल नॉट कॉल आउट फॉर शॉर्ट रन, ही विल कॉल आउट फॉर ही विल सिग्नल फॉर 4 और 6। तो सिमिलरली इसमें अगर बाय द वे इधर बैट्समैन ने का जो रन रहा वो शॉर्ट रहा और बाउंड्री स्कोर नहीं हुई, तब अंपायर सिग्नल करेगा शॉर्ट रन के लिए। सिमिलरली अगर दोनों बैट्समैन जो हैं वो एक ही रन में दोनों ने शॉर्ट रन लिया तो उनका एक ही रन शॉर्ट माना जाएगा टुगेदर। और अगर बाय द वे जैसे जैसे रहता है कि अगर उन्होंने एक रन शॉर्ट लिया फिर दूसरा रन फुल लिया फिर शॉर्ट लिया, तो अकॉर्डिंगली उस तरीके से पूरा हम तीनों रन को शॉर्ट नहीं करेंगे, जितने भी रन शॉर्ट हुए उन्हें ही शॉर्ट रन बोला जाता है। फिर अब हमारा रहता है कि डिलिबरेट जो शॉर्ट रन्स लेते हैं, अगर इसी में ही पेनाल्टीज आती हैं, अगर अंपायर्स को लगा कि इधर बैट्समैन ने डिलिबरेटली शॉर्ट रन लिया, तो जैसे ही बॉल डेड होती है तो अंपायर जो रहते हैं उसको शॉर्ट रन दे विल कॉल आउट फॉर शॉर्ट रन, और जो बॉलर्स एंड अंपायर रहता है वो जितने भी रन्स लिए रहते हैं, पहले तो ये था कि अगर बाय द वे एक रन को उन्होंने कवर करा पूरा तो वो रन काउंट होगा, पर अगर डेलिबरेटली शॉर्ट रन लिया है तो उसमें क्या रहता है कि अंपायर जो रहता है वो डिसअलाउ कर देता है ऑल दी रन्स। देन जो भी बैट्समैन रहता है, नॉट आउट बैट्समैन रहते हैं, दे उनको रिटर्न कर देते हैं टू हिज और हर ओरिजिनल एंड। देन अगर बाय द वे नो बॉल रही या वाइड बॉल रही, देन जैसे भी एप्लीकेबल रहती है वो सिग्नल किया जाता है। फिर उसके बाद इस ये जो फॉल्ट होती है यहाँ पे कि उन्होंने डेलिबरेटली शॉर्ट रन लिया है, तो उस पर 5 पेनाल्टी रन्स फील्डिंग साइड को दिए जाते हैं फ्रेंड्स। फिर उसके बाद क्या रहता है कि जब उन्होंने फील्डिंग साइड्स को 5 पेनाल्टी रन्स दे दिए, तो वो जो होते हैं अंपायर जो रहते हैं दे इन्फॉर्म द कैप्टन ऑफ द फील्डिंग साइड एज सून एज प्रैक्टिकेबल एंड द कैप्टन ऑफ द बैटिंग साइड फॉर द रीजन ऑफ दिस एक्शन। और फिर एक मेन चीज़ और यहाँ से स्टार्ट होती है कि द अंपायर्स शैल रिपोर्ट द अकरेंस एज सून एज पॉसिबल आफ्टर द मैच टू द एग्जीक्यूटिव ऑफ द ऑफेंडिंग साइड and to any governing body responsible for the match who shall take such action as is considered appropriate against the captain, any other individuals concerned and if appropriate the team। तो यहाँ से ये actions start हो जाते हैं अगर deliberately short run लिए जाते हैं। then उसके बाद जो runs रहते हैं scored when a batsman is dismissed, अब काफ़ी बार क्या रहता है कि जब batsman dismiss होता है तो पेनाल्टीज जो दी जाती हैं इधर साइड को दे विल स्टैंड,
और बाय द वे क्या रहता है कि अगर कोई बैट्समैन ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए आउट हुआ है तो बैटिंग साइड शैल ऑल्सो स्कोर एनी रन कंप्लीटेड बिफोर द अकरेंस ऑफ दैट ऑफेंस अगेन. जैसे लेकिन अगर वो जो ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड जो ऑब्स्ट्रक्शन बैट्समैन ने किया इन और अगर उस बैट्समैन ने किसी कैच को पकड़ने के लिए ऑब्स्ट्रक्ट करा देन रन्स आर नॉट गिवन. देन उसके बाद जो रहता है हमारा कि रन्स स्कोर्ड व्हेन द बॉल बिकम्स डेड अदर देन एट द फॉल ऑफ द विकेट. तो उसमें ये रहता है कि जो भी पेनाल्टी अवार्ड्स रहते हैं टू ईदर साइड्स वो स्टैंड करते हैं. एडिशनली बैटिंग साइड जो रहती है वो क्रेडिटेड होती है. जैसे कि डेड बॉल कहने से पहले कॉल आउट करने से पहले कोई भी रन जो बैटिंग साइड ने कंप्लीट किया हो बिफोर द इंसिडेंट हैपेंड वो स्कोर में आता है. फिर जो अगर रन इन प्रोग्रेस है और द बैट्समैन हैव ऑलरेडी क्रॉस्ड एट द इंसिडेंट ऑफ एट द इंसिडेंट और द कॉल ऑफ डेड बॉल वो भी रन स्कोर करा जाता है. अब होता है कि उसमें क्रेडिटिंग ऑफ रन्स स्कोर्ड जो बॉलर रहता है उसके उसमें ही शैल बी डेबिटेड विथ उसके खाते में किस तरह के रन आते हैं. ऑल रन्स स्कोर्ड बाय द स्ट्राइकर ऑल रन्स स्कोर्ड एज नो बॉल्स एक्स्ट्रास ऑल रन्स स्कोर्ड एज वाइड्स. फिर उसके बाद क्या रहता है कि जैसे If the ball is struck by the bat, all runs scored by the batting side shall be credited to the striker. जो ये तो हमने बात करी कि बॉलर के उसमें क्या डेबिट होगा लेकिन अगर हमारे बैट्समैन की बात करें तो अगर बैट्समैन के बैट से जितने भी बॉल लगी और उससे रन बना वो दैट विल बी क्रेडिटेड टू द स्ट्राइकर एक्सेप्ट जो एन अवार्ड ऑफ 5 पेनल्टी रन्स या जो वन रन पेनाल्टी फॉर अ नो बॉल वो उसके उसमें नहीं स्कोर किया जाएगा रन्स में. उसके बाद जो रहते हैं बाइज रहते हैं लेग बाइज रहते हैं जो कि नो बॉल से होते हैं तो उसमें वन रन पेनाल्टी फॉर नो बॉल वो दिए जाता है. और फिर उसके बाद रिमाइंडर जो रहते हैं बाइज और लेग बाइज वो एज अप्रोप्रिएट. फिर उसके बाद क्या रहता है कि बैट्समैन रिटर्निंग टू ओरिजिनल एंड तो जो नॉट आउट बैट्समैन रहता है वो अपने ओरिजिनल एंड पे कब कब किन किन केसेस में आ जाता है. जैसे जो बैट्समैन है वो या तो बोल्ड हो गया तो नॉट आउट एंड बैट्समैन विल बी बैक टू हिज ओरिजिनल एंड या जो स्ट्राइकर है वो स्टम्प्ड हो गया या उसका हिट द बॉल ट्वाइस रहा या LBW रहा या हिट विकेट रहा. इन सारे सिनेरियोज में जो नॉन स्ट्राइकर है दैट बैट्समैन विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल एंड. फिर जो बैट्समैन रहते हैं शैल रिटर्न टू ओरिजिनल एंड इन दीज केसेस आल्सो व्हेन अ बाउंड्री इज स्कोर्ड रन्स आर डिसअलाउड फॉर एनी रीजन. सो अब इसमें हमारे रहता है कि बैट्समैन रिटर्निंग टू विकेट ही और शी हैज लेफ्ट. अब इन सब केसेस में क्या रहता है कि बाय द वे बैट्समैन जो दोनों हैं उन्होंने आपस में क्रॉस नहीं किया है इन इन सिनेरियो में जैसे कॉट में तो वो अपने ओरिजिनल एंड पे चले जाते हैं और अगर उन्होंने क्रॉस कर लिया है कैच आउट पे तो वो ओरिजिनल एंड पे नहीं जाते हैं. लेकिन अगर उन्होंने क्रॉस नहीं किया है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में कॉट में रन आउट में then they go back to their original end. That's it friends. Actually it's a bit lengthy topic. ये हमारा जो law 18 था ये इसमें scoring runs और इसमें penalties भी आ गए हैं हमारे और कब runs disallow होते हैं और कब runs allow हो जाते हैं तो ये थोड़ा minutely हमारे को समझना होगा friends. Okay friends, thanks for now, bye.